Hey friends, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये मुरमुरा पोहा बहुत ही लाजवाब, टेस्टी, डिलीशियस और झटपटा बनता है और ऊपर से इसे बनाना भी बहुत आसान है और झटपट बन भी जाता है, तो एक ट्राई तो जरूर बनता है। मुरमुरा पोहा बनाने के लिए हमें चाहिए 4 कप मुरमुरे। यहाँ पर मैंने मुरमुरे को छानकर साफ करके ले लिया है और उसके अंदर जो कम खिले और छोटे छोटे मुरमुरे आते हैं उसको मैंने हटा कर ले लिया है। 1 मीडियम साइज का टमाटर, उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के लिया है। 1 मीडियम साइज की प्याज, उसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के लिया है। 1 टेबल स्पून तेल, 1 टेबल स्पून मूंगफली के दाने, 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून नींबू का रस। अगर आपको खट्टा कम पसंद है तो आप 1/2 टेबल स्पून भी ले सकते हैं। 1 से 2 हरी मिर्च, जिसे मैंने स्लाइसेस में कट करके लिया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं और बच्चे कम तीखा पसंद करते हैं तो हरी मिर्च ना डालें। 1/2 टीस्पून जीरा, यहाँ पर मैंने जीरा का इस्तेमाल किया है, लेकिन आपको अगर सरसों पसंद है तो आप 1/2 टीस्पून सरसों और 1/2 टीस्पून जीरा दोनों का ही इस्तेमाल करें। 8-10 कड़ी पत्ते, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून जितना बारीक कटा हुआ धनिया और आखिर में हमें चाहिए स्वाद अनुसार नमक। तो चलिए हम मुरमुरा पोहा बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम मुरमुरे को एक बड़े बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसे हम हाथ से या तो चम्मच से हिला लेंगे और थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे, जिससे कि वो अच्छे से साफ भी हो जाए और थोड़े से भीग भी जाए। अब हम इस मुरमुरे को एक स्ट्रेनर में छान लेंगे। अब हम इस पानी को हटा लेंगे और ये जो हमने मुरमुरे को स्ट्रेनर में डाला है उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो इस तरह से स्ट्रेनर के ऊपर पानी डालेंगे तो मुरमुरे साफ हो जाएंगे और वो बहुत ज्यादा भी नहीं भीगेंगे। अब इस पानी वाले बाउल को हटा लेंगे और इस स्ट्रेनर को हम खाली बाउल के ऊपर रख देंगे। तो चलते हैं अब अगली प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने 1 कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है। कढ़ाई हल्की सी गर्म होते ही उसके अंदर तेल डालेंगे। तेल थोड़ा गर्म होते ही उसके अंदर मूंगफली के दाने डालेंगे। गैस को लो मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और मूंगफली के दाने को लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मूंगफली के दाने अच्छे से सिक गए हैं और उसका कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। जब भी आप पोहा, मुरमुरा पोहा या तो उपमा के अंदर मूंगफली के दाने डालें तो उसको इस तरह से भून कर निकाल लें और सबसे आखिर में उसको मिक्स करें, जिससे कि वो क्रिस्पी रहेंगे। तेल गर्म है तो गैस को लो फ्लेम पे कर लेंगे और अगर बहुत ज्यादा गर्म हो तो गैस को बंद कर लें। अब इसके अंदर जीरा, आप देख सकते हैं कि जीरा अच्छे से चटक गया है। अब इसमें हींग, हरी मिर्च और कड़ी पत्ते डाल देंगे। अब इसे तेल में हिलाकर मिक्स कर लेंगे और 15-20 सेकंड के लिए सौते कर लेंगे। अब इसमें प्याज डालेंगे, थोड़ा सा या तो 1/4 टीस्पून जितना नमक डालेंगे। अब इसे हिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे बीच बीच में चलाते हुए प्याज थोड़े से सॉफ्ट होने तक या तो 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज ना डालें, उसके बिना भी ये बहुत टेस्टी बनता है। तो प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है, अब इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। अब इसे भी हिलाकर मिक्स कर लेंगे और बीच बीच में चलाते हुए टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तब तक पका लेंगे। तो ये देखिए टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला। अब हमने जो मुरमुरे को पानी से धो के रखा था वो डाल देंगे। अब हम इसे बहुत ही अच्छे से हिलाकर मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे बहुत ही अच्छे से हिलाकर मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। ध्यान रहे कि हमने प्याज को पकाने के लिए भी नमक डाला हुआ है, तो नमक हिसाब से डालें। नींबू का रस और बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे। अब इसे हिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे हिलाकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हमारा मुरमुरा पोहा या तो आप इसे मुरमुरा उपमा भी कह सकते हैं तैयार है। तो गैस बंद कर लेंगे और हमने जो मूंगफली को भून कर साइड में रखा था वो डाल देंगे।
और उसे भी हिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मूंगफली को भुनने के बाद एक प्लेट में निकाल लें और पोहा तैयार होने के बाद सबसे आखिर में मिक्स करें, जिससे कि वो क्रंची रहेगी। तो मुरमुरा पोहा को सर्व करने के लिए एक सर्विंग प्लेट ले लेंगे। तो मुरमुरा पोहा को इस प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये कितना टेस्टी दिख रहा है। तो ये हमारा मुरमुरा पोहा बनकर तैयार है। आप इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको अनार के दाने पसंद है तो इसके ऊपर थोड़े से अनार के दाने डालकर गार्निश करके भी सर्व कर सकते हैं। ये मुरमुरा पोहा बहुत ही लाजवाब, टेस्टी, डिलीशियस और झटपटा बनता है। और ऊपर से इसे बनाना भी बहुत आसान है और झटपट बन भी जाता है, तो एक ट्राई तो जरूर बनता है। तो आप ये मुरमुरा पोहा की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए, सबको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में भी इसे शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।